प्रश्न के साथ लड़ी जाएगी, लेकिन अगर जेएनयू का शिक्षा तंत्र जिस तरह से लोगों को शिक्षा मिलती बचा रहेगा तो पूरे देश में शिक्षा तंत्र बचा रहेगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो भी लोग आज इस मार्च में आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से पूरे जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के साथ बढ़ के हम बहुत आगे तक इस लड़ाई को ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब एमएचआरडी ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई, उससे ये बात साफ साबित होती है जो जेएनयू एसयू और जेएनयू टीचर कि हमारा वाइस चांसलर जेएनयू को चलाने में कामयाब नहीं है और उसके लायक नहीं है। इस बात को हम कह रहे थे 3 मेंबर कमेटी के बाद ये बहुत साफ हो गया कि वह वाकई इस काबिल नहीं है। हम उनसे दरखास्त करते हैं, अगर उनको जेएनयू को चलाने के लिए भेजा गया था तो एक कृपा हमारे ऊपर वो कर दे कि जेएनयू छोड़ के चले जाए। इससे बड़ी कोई मेहरबानी नहीं होगी। अगर जेएनयू का वाकई विकास करना है तो वो छोड़ के जाए।